चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य के मध्य क्षेत्र में बसा, राज्य के 10 संभाग एवं 50 जनपदों में एक, आरजे शून्य एक से पंजीकृत होने वाले वाहनों का स्वामी, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, भगवंत विश्वविद्यालय एवं मेयो कॉलेज जैसे विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों का गृहनगर, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की ऐतिहासिक राजधानी, उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र के 4 रेलवे डिवीजनों में एक अजमेर रेलवे मंडल का मुख्यालय, राजस्थान राज्य के 7 नगर निगम स्तर के शहरों में एक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर अजमेर। जयपुर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 125 किलोमीटर यात्रा तय करने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर शहर में प्रवेश करता है। नगर के प्रारंभ में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय एवं केंद्रीय कारागार आदि स्थापित हैं। दक्षिण पश्चिम में शहर की ओर बढ़ते हुए अजमेर मार्ग अजमेर संभाग आयुक्त कार्यालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय से होकर शहर के बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचता है। यहां अजमेर केंद्रीय बस अड्डे का परिसर स्थित है। अजमेर से संपूर्ण राजस्थान के मुख्य शहरों समेत हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार एवं उत्तर प्रदेश के अनेकों शहरों में आवागमन हेतु सीधी बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस स्टैंड चौराहे के निकट ही अजमेर जिला कलेक्टर का कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि स्थापित हैं। जयपुर मार्ग बस स्टैंड से दक्षिण में रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। यह मार्ग शहर में कचहरी मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। अजमेर शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर अजमेर के महानगरीय क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 6,56,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य में जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं बीकानेर के पश्चात 5वां सबसे बड़ा शहर है। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए शहर के व्यस्त चौराहे गांधी भवन चौक पर पहुंचती है। गांधी भवन शहर के व्यस्ततम चौराहों में एक है। यहां से उत्तर में कचहरी मार्ग, पूर्वोत्तर में आगरा गेट की ओर जाने वाली सड़क, पूर्व में मदार गेट एवं दक्षिण की ओर कुछ ही दूरी पर अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है। अजमेर जंक्शन A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। यहां से 4 रेल मार्ग जयपुर, उदयपुर, मारवाड़ जंक्शन एवं पुष्कर से जोड़ते हैं। यहां से भारतवर्ष के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु सीधी रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की ओर घंटाघर स्थित है। घंटाघर के पीछे पश्चिम में शहर का मदार गेट क्षेत्र स्थित है। मदार गेट से प्रवेश करने वाला मार्ग पश्चिम में नाला बाजार से होकर दरगाह से जोड़ता है। मदार गेट से दक्षिण की ओर का मार्ग पड़ाव मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पड़ाव एवं कैसरगंज क्षेत्र से होते हुए शहर के दयानंद चौक पर पहुंचता है। दयानंद चौक शहर के व्यस्त चौराहों में एक है। यह विशाल आकार में बना सर्किल शहर के आधुनिक बाजारों में एक है। दयानंद चौक से पूर्व की ओर आर्य समाज मार्ग, मार्टिनडेल पुल चौराहे की ओर, दक्षिण पूर्व में सेंट अंसेलम मार्ग ब्यावर मार्ग की ओर, दक्षिण में ईदगाह रोड एवं उत्तर पश्चिम की ओर का मार्ग डिग्गी चौक की ओर जोड़ता है। गांधी भवन चौक से उत्तर पश्चिम में जाने वाली सड़क रेलवे स्टेशन को आगरा गेट स्थित चौराहे से जोड़ती है। इसी मार्ग पर नगर निगम अजमेर का कार्यालय स्थित है। नगर निगम अजमेर का कार्यालय अति भव्य एवं आधुनिक दिखाई पड़ता है। नगर निगम से आगे सड़क आगरा गेट चौराहे पर पहुंचती है। आगरा गेट चौराहा शहर में महत्वपूर्ण चौराहा है। चौराहे के निकट ही ऐतिहासिक अजमेर दुर्ग स्थित है। आगरा गेट से दक्षिण की ओर नया बाजार स्थित है। नया बाजार शहर का आधुनिक व्यापारिक बाजार है। अजमेर शहर की स्थापना 1112 में चौहान वंश के शासक अजय राज चौहान द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम अजय मेरू पड़ा, जो कालांतर में बदलकर अजमेर हो गया। नया बाजार के पूर्व में अजमेर दुर्ग, पश्चिम में दरगाह बाजार, उत्तर में आगरा गेट एवं दक्षिण में घी मंडी पुरानी मंडी स्थित है। आगरा गेट से उत्तर की ओर मार्ग कुछ ही दूरी पर स्थित
शहर के महावीर चौक पर पहुंचता है। महावीर चौक पर सदैव व्यस्तता बनी रहती है। महावीर चौक से उत्तर में दौलत बाग मार्ग, पश्चिम में पुष्कर मार्ग एवं दक्षिण पश्चिम की ओर का मार्ग शहर के दिल्ली गेट रोड के रूप में जाना जाता है। यह सड़क महावीर चौक को दिल्ली गेट होकर दरगाह से जोड़ती है। अजमेर शहर 1556 में मुगलों के अधीन हुआ। अकबर से औरंगजेब तक के शासनकाल में यह शहर अजमेर राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता रहा। मुगलों के पश्चात 1770 में यहाँ मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ एवं 1818 में यह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए दिल्ली गेट पर पहुंचती है। दिल्ली गेट शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। दिल्ली गेट से दक्षिण में सड़क दरगाह रोड के रूप में जानी जाती है। 1818 में अंग्रेजों के अधिकार में आने के पश्चात यह ब्रिटिश अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की राजधानी बना एवं देश की आज़ादी के पश्चात यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 1956 में अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में जोड़ दिया गया एवं एक जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए अजमेर शरीफ दरगाह पर पहुंचती है। दरगाह से पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर ढाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। यह ऐतिहासिक स्मारक अजमेर में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। महावीर चौक से पश्चिम में जाने वाला पुष्कर मार्ग शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। अजमेर महानगर इस मार्ग पर बड़ा विस्तार ले चुका है। इस मार्ग के उत्तर की ओर शहर की आना सागर झील का विशाल भूभाग में फैला जल परिसर स्थित है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य से आना सागर मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। आना सागर अजमेर में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहता है। पुष्कर मार्ग पर शहर के दयानंद कॉलोनी, हरिभाव उपाध्याय नगर आदि क्षेत्र बसे हुए हैं। जनपद सृजन के पश्चात अजमेर तेजी से विकसित हुआ। 1987 में अजमेर को राजस्थान राज्य का छठा संभाग भी बना दिया गया। पुष्कर मार्ग पश्चिमोत्तर में पुष्कर होकर मेड़ता, नागौर, बीकानेर आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। पुष्कर मार्ग स्थित रीजनल चौराहे से उत्तर की ओर शहर की महत्वपूर्ण सड़क गौरव पथ प्रारंभ होती है। यह मार्ग रीजनल कॉलेज से होते हुए उत्तर में सेवन वंडर पार्क से गुजरती है। सेवन वंडर पार्क में दुनिया के 7 अजूमों को भव्य रूप से निर्मित किया गया है। गौरव पथ यहां से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। वैशाली नगर की आधुनिक आवासीय क्षेत्र से गुजरते हुए सड़क शहर के माकड़ वाली तिराहे पर पहुंचती है। माकड़ वाली तिराहा से उत्तर में माकड़ वाली मार्ग प्रारंभ होता है। यह मार्ग शहर के उत्तरी भाग में स्थित वैशाली नगर, अभियंता नगर, बलदेव नगर, चीता नगर, पंचशील नगर आदि आधुनिक आवासीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह उत्तर में माकड़वाली एवं पुष्कर बाईपास से जुड़ जाता है। गौरव पथ माकड़वाली तिराहे से दक्षिण की ओर दौलत बाग एवं महावीर चौक की ओर बढ़ जाता है। गौरव पथ पर अजमेर जनपद के विकसित एवं सुव्यवस्थित नगरीय विकास की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अजमेर जनपद के विशाल भूभाग एवं जनसंख्या को देखते हुए 17 मार्च 2023 को अजमेर जनपद का विभाजन कर जिले के 2 मुख्य शहरों ब्यावर एवं केकड़ी को जनपद घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में अजमेर जनपद का भूभाग 16 तहसीलों से घटकर 7 तहसीलों अजमेर, पुष्कर, रूपनगढ़, किशनगढ़, टांटोटी, नसीराबाद एवं पीसांगन में सिमटकर रह गया है। गौरव पथ अपने दक्षिणी छोर पर शहर के बजरंगगढ़ चौराहे पर जुड़ जाता है। चौराहे से पश्चिम में दौलत बाग स्थित है। उत्तर में गौरव पथ एवं पूर्वोत्तर में लोहागढ़ मार्ग स्थित है। बजरंगगढ़ चौराहे से पूर्व में सड़क जेएलएन मेडिकल कॉलेज की ओर एवं दक्षिण की ओर का मार्ग दौलत बाग मार्ग के रूप में महावीर चौक की ओर बढ़ जाता है। अजमेर शहर क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अजमेर उत्तरी एवं अजमेर दक्षिणी हैं। अजमेर महानगर के स्थानीय निवासी अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। दौलत बाग मार्ग अपने दक्षिणी छोर पर महावीर चौक पर जुड़ जाता है। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से दक्षिण में सड़क कुछ ही दूरी पर स्थित मार्टिनडेल सेतु पर जोड़ती है। मार्टिनडेल सेतु से पूर्व में श्रीनगर मार्ग एवं दक्षिण का मार्ग ब्यावर मार्ग के रूप में जाना जाता है। ब्यावर मार्ग पर शहर का स्वामी पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय का परिसर, रेलवे अस्पताल, रामगंज, लाजपत नगर, सुभाष नगर, चंद्रवरदाई नगर, सुंदर नगर, एकता नगर, वीर तेजाजी नगर आदि क्षेत्र स्थित हैं। ब्यावर मार्ग दक्षिण पश्चिम की ओर
ब्यावर, पाली, जोधपुर, उदयपुर आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। मार्टिनडेल सेतु से पूर्व की ओर सड़क श्रीनगर मार्ग के रूप में जानी जाती है। अजमेर शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र को कुल 9 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली अजमेर शहर, थाना क्रिश्चियनगंज, थाना सिविल लाइंस, थाना आदर्श नगर, थाना गंज, थाना रामगंज, थाना अलवर गेट, थाना घंटाघर एवं थाना दरगाह में बांटा गया है। यह सड़क शहर के आर्यनगर, विनयनगर, गांधीनगर कॉलोनी, आम का तालाब, गुलाब बाड़ी से होकर श्रीनगर की ओर प्रस्थान कर जाती है। मार्टिनडेल सेतु से दक्षिण पूर्व की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क नसीराबाद मार्ग के रूप में प्रारंभ होती है। यह सड़क कोटा मार्ग के रूप में भी जानी जाती है। शहर का नगरा, भजनगंज, बिहारीगंज, आदर्श नगर, पर्वतपुरा, उत्तरांचल कॉलोनी, माखूपुरा आदि क्षेत्र इसी मार्ग से सटे हुए हैं। यह मार्ग अजमेर को नसीराबाद होकर केकड़ी, बूंदी, कोटा एवं विजयनगर, भीलवाड़ा आदि से जोड़ती है। अजमेर जैसे ऐतिहासिक महानगर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक अनूठा अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अजमेर महानगर पर बनाया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो अजमेर महानगर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।